नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। हाथरस भगदड़ हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के अपनों के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं। अपनों को खोने का गम उनकी आंखों में साफ देखा जा सकता है। प्रदेश की योगी सरकार ने भले ही इस घटना पर जांच के आदेश दिए हों और आरोपियों को सजा देने की बात भी कही हो, लेकिन हर मुद्दों पर सियासत करने वाले आज इस मुद्दे पर गायब हैं। जी हां, हाथरस घटना को लेकर किसी भी राजनेता की कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। कोई आरोपी बाबा के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी हाथरस के पीड़ितों से मिलने पहुंचे, उनको सांत्वना दी, लेकिन भोले बाबा के खिलाफ एक शब्द तक नहीं कहा। आखिर ऐसा क्यों? क्यों नेता ऐसा कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं उनका भोले बाबा के साथ कोई संबंध है? आइए जानते हैं इसके पीछे की वजह। हाथरस हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मिलने राहुल गांधी आज हाथरस पहुंचे, जहां कांग्रेस नेता ने कहा कि दुख की बात है, बहुत परिवारों को नुकसान हुआ है, काफी लोगों की मृत्यु हुई है, प्रशासन की कमी तो है और गलतियां हुई हैं। राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से भी अपील की है। उन्होंने कहा कि मुआवजा सही मिलना चाहिए। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से विनती करता हूं कि दिल खोल कर मुआवजा दें। राहुल गांधी ने पीड़ितों के लिए तो मदद मांगी, लेकिन राहुल गांधी ने नारायण हरि सरकार के खिलाफ एक शब्द भी नहीं बोला। सरकार पर हमेशा सवाल उठाने वाले राहुल ने ये तक नहीं पूछा कि बाबा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, यूपी सरकार उन्हें क्यों बचा रही है। राहुल गांधी मौन रहे। हैरानी की बात तो यह है कि इस मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष में एकता हो गई है, मतलब दोनों पक्ष एक हो गए हैं। न बीजेपी, न बसपा, न कांग्रेस और न ही समाजवादी पार्टी ने बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अब कहा जा रहा है कि इसके पीछे वोट बैंक की पॉलिटिक्स है। सबको इसकी फिक्र है कि कहीं दलित वोटर नाराज ना हो जाए, इसलिए समाजवादी पार्टी इस मामले में बीजेपी सरकार को दोषी मान रही है, जबकि बीजेपी की तरफ से अखिलेश यादव और बाबा के संबंधों को उछाला जा रहा है। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव की कुछ तस्वीरें बाबा के साथ वायरल हुई थी, जिसके बाद अखिलेश भी सवालों के घेरे में आ गए थे। हालांकि उन्होंने बाद में इस मुद्दे को लेकर अपनी सफाई दी थी, तो वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी इस मुद्दे पर चुप हैं। आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर रावण ने लोगों को उचित मुआवजा देने की मांग की है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है कि सभी राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर एक हैं, खासकर विपक्ष, जो सरकार को घेरने का एक भी मौका नहीं छोड़ता। और देखा जाए तो विपक्ष के लिए इससे बड़ा मुद्दा कुछ भी नहीं हो सकता। फिर ऐसा क्या है जो विपक्ष इस बार मौन है और सरकार के साथ खड़ा है? खैर, वजह जो भी हो, लेकिन हम ये उम्मीद करते हैं कि इस घटना में मारे गए बेगुनाहों को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह की घटना कम से कम ना हो। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।